बड़ी छपड़ा छपड़ी छलांग लगाई और बिहार में कई मामले में देश के अन्य राज्यों को भी मार्गदर्शन दिया, इसलिए कि पार्टी के साथी आज उनकी बात सुने। क्योंकि हम मानते हैं कि बिहार ने एक लंबी लकीर खींची है विकास की, वो जो लंबी लकीर विकास की खींची है तो केंद्र सरकार के बजट में भी दिखाई पड़ रहा है, बिहार वहां भी दिखाई पड़ रहा है और बिहार अन्य प्रदेशों में भी दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे आधी आबादी के आधी आबादी को सड़क पर उतारने के क्षेत्र का क्षेत्र हो, या खुले वातावरण में सांस लेने का सवाल हो, या शिक्षा की व्यवस्था सुधार करने से और अंधकार से प्रकाश के उनके युग में लाने का सवाल हो, नीतीश कुमार के कामों का उल्लेख किया जाए तो इसका जवाब शायद किसी प्रदेश में इतने ही समय में नहीं मिल सकता। तो हम तो ये मानते हैं 15 वर्षों के बाद आपकी खाती क्या है साथियों, आपकी खाती है कि 15 वर्ष पहले बिहार का खजाना खाली था, और जब आपका साथी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जब शासन संभाला है तो 15 वर्ष पहले का बजट आज 10 गुना बजट बढ़ गया, ऐसा कहां सुनने को मिला। और 15 वर्ष पहले क्या था, कहते थे लोग बिहार की क्या पहचान, बीमारू राज्य, कैंसरस स्टेट, लाइलाज राज्य, जिसका इलाज ही बीमारी का नहीं हो सकता है, वही खाते नीतीश कुमार को मिली थी। और विरासत में ऐसी थाली जिसका घर धुआ ढहा हुआ, जिसका छत छू रहा हो और जिसके पास संपदा के रूप में बालू और मिट्टी बचा हुआ है, नीतीश कुमार ने उसी वक्त में बिहार के शासन को अपने हाथ में ले लिया और आज बिहार की नई तस्वीर दिखाई पड़ रही है।